भाइयों और बहनों, गन्ने की अधिक पैदावार से किसानों का पैसा ना फंसे, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है गन्ने से इथेनॉल बनाए जाए। और इसकी टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बहुत आसानी से इसका कारखाना खड़ा किया जा सकता है। और हमारे किसान तो खेत में ही गन्ने से कैसे गुड़ बनाना कितनी आराम से खड़ा कर देते और बना भी देते हैं। ये इथेनॉल वाला काम भी कोई ऐसा बड़ा नहीं है, मशीन लगती है, कारखाना बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे आप काम सरलता से करते हैं, वो कारखाने वाला भी सरलता से कर सकता है और इसलिए इथेनॉल बन सकता है। और हम इथेनॉल बनाने की इस बात को यहां बड़े बड़े किसान नेता एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, कांग्रेस एनसीपी के लोग अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको गन्ने से इथेनॉल बनाकर भी आप अपनी आय बढ़ा सके, इसकी कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी परवाह ही नहीं की। उन्हें इस बारे में पता था, पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अपने गन्ना किसानों को ये नई टेक्निक भी लाकर दें। कांग्रेस एनसीपी और उसके साथियों ने ऐसा क्यों किया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथियों, गन्ने से जो इथेनॉल बनता है वो मिलाया जाता है पेट्रोल में, लेकिन ये लोग जिस तरह के गोरख धंधे से जुड़े थे, अगर ये लोग पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने लग जाते तो ये मलाई खा रहे थे वो कम हो जाती, क्योंकि विदेशों से जो पेट्रोल खरीदते हैं पहले इन्होंने कोई न कोई अपना इंतजाम करके रखा था, अगर पेट्रोल कम होता है तो इनकी मलाई भी बंद हो जाती है। और इसलिए इन्होंने इस तकनीक को यहां बढ़ने ही नहीं दिया। चीनी मिलों में आपकी जिंदगी अटकी रही, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। सोचिए, इथेनॉल बनने की वजह से आपको गन्ने की उचित कीमत मिलती, इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से पेट्रोल की कम कीमतें कम होती, उन्होंने ये भी नहीं होने दिया। इथेनॉल की वजह से प्रदूषण कम होता, पर्यावरण की रक्षा होती, उन्होंने ये भी नहीं होने दिया। इथेनॉल की वजह से देश तेल के आयात पर जो खर्च करता है उसमें भी कमी आती, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं होने दिया। ये विदेश से मिलने वाली मलाई खाते रहे, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का हित साधते रहे, लेकिन यहां के गन्ना किसानों की परवाह नहीं की। साथियों, 2014 में जब आपने एक मजबूत सरकार बनाई, तब हमने इथेनॉल पर नए सिरे से काम शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि 5 साल पहले जहां देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, अब 140 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल हम सप्लाई कर रहे हैं, जो गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ध्यान में रखते हुए देश भर में प्लांट भी लगाए जा रहे हैं और गाड़ियों को भी तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में दर्जन भर रिफाइनरी बनाने का काम चल रहा है। यहां नंदुरबार में भी एक यूनिट लगाई गई है। इन सब प्रयासों से सबसे ज्यादा लाभ गन्ना किसानों को ही होगा।